नमस्कार, जय एक्शन, मेरा डट गुड डट। तो फ्रेंड्स, आज हम गुड डट की एक नई रेसिपी जानेंगे। गुड डट प्रोटीज प्लस से हम बनाएंगे। गुड डट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जानवर को रक्षा करने के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। हम मीट का स्वाद पाएंगे लेकिन 100% वेजिटेरियन सोर्स के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम उसकी नई रेसिपी की तैयारी करते हैं। उस रेसिपी का नाम है फ्रेंड्स प्रोटीज बटरफ्लाई। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, प्रोटीज बटरफ्लाई बनाने के लिए हमने लिया है प्रोटीज प्लस, उसके बाद यह है दही, यह है तिल, अरारोट पाउडर, आरसीएम नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, आरसीएम हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, और इसमें है फ्रेंड्स आरसीएम धनिया पाउडर, आरसीएम गरम मसाला, और यह चिकन या मीट मसाला ले सकते हो। मैंने चिकन मसाला लिया है, आप चाहे तो उसको स्किप कर सकते हो। ये भी वेजिटेरियन होती है, सर नाम होता है चिकन या मीट, आप फ्लेवर के लिए ले सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। यह आरसीएम चिली पाउडर, आरसीएम हल्दी पाउडर, और यह कस्तूरी मेथी। आपके पास अगर धनिया है तो धनिया पत्ता भी ले सकते हो। मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था तो मैंने कस्तूरी मेथी ले लिया है। फ्रेंड्स, साथ में लिया है हम दो बड़े आलू और थोड़ा सा टूथपिन। आप जितना क्वांटिटी लेंगे उसी हिसाब से टूथपिन चाहिए। और फ्रेंड्स, आलू का हमने छिलका निकाल दिया है, स्क्रीन आउट कर दिया है, क्योंकि हमें ये चाहिए समय बचाने के लिए। फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी आवश्यकता के अनुसार प्रोटीज प्लस को हम एक कटोरी में निकाल देंगे, थोड़ा सा जितना हमें बनाना है। फ्रेंड्स, ये हमने लिया है थोड़ा सा प्रोटीज प्लस, और इसमें हम डाल देना है गर्म पानी। उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है भीगने के लिए। तो 5 मिनट के बाद उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। उसको 5 मिनट रहने देते हैं उसको। तो सबसे पहले आलू को हम पतला पतला करके काटना है। फ्रेंड्स, आलू को हमने पतला पतला काट दिया है, इस तरह काटना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं 5 मिनट से ज़्यादा हो चुकी है और हमारी प्रोटीज फूल चुकी है। अभी उसको अभी क्या करना है, इसे हाथ से दबा के अच्छे से उसका पानी को निकाल देना है, इसी तरह, ठीक है। अभी उसको अलग कर देना है और एक खाली बाउल लेना है। इसमें क्या करना है, हमें गरम मसाला, ठीक है, धनिया पाउडर, और ये चिकन या मीट मसाला कोई भी आप ले सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो। और आप जितना तीखा खाते हो उसी हिसाब से चिली पाउडर लेना है, और थोड़ा सा हल्दी, और हमारी कस्तूरी मेथी, या फिर आप धनिया की पत्ता भी ले सकते हो। उसमें थोड़ा सा तिल, स्वाद अनुसार नमक, और फ्रेंड्स ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और फ्रेंड्स दही। अभी उसको अच्छे से मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये अच्छे से हमारी मिक्स हो चुकी है। अब उसके ऊपर हमें डालना है थोड़ा सा अरारोट पाउडर, ठीक है जी। अगर आपके पास अरारोट पाउडर ना हो तो कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हो। ये अच्छे से मिक्स होने के बाद उसमें हम डालेंगे राइस ब्रान ऑयल, 2 चम्मच लिया है, आपकी आवश्यकता के अनुसार आप ले सकते हो, थोड़ा सा कम ज्यादा में कोई फर्क नहीं पड़ती है। आपके पास अगर दही नहीं है तो उसकी जगह में आप नींबू का रस भी यूज कर सकते हो, दही में थोड़ा सा टेस्ट अच्छा रहती है। अब उसके ऊपर हम डालेंगे हमारी प्रोटीज प्लस। प्रोटीज प्लस को हम अच्छे से मिला देते हैं। तो
फ्रेंड्स देख सकते हो हमने अच्छे तरह उसको मिक्स कर दिया, मैरिनेट कर दिया है। अब उसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ढक्कन डाल के, ठीक है। तो अभी उसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमें खाली बाउल लिया है, उसमें मैंने 2 चम्मच लिया है अरारूट या फिर कॉर्नफ्लावर, आप कोई भी ले सकते हो। और थोड़ा सा पानी और उसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अभी इसमें थोड़ा सा नमक, ये मिक्स करने के बाद इसमें फ्रेंड्स हमारी जो कटा हुआ आलू डुबा देना है, ठीक है। इसमें भिगा कर रखना है। डुबा के रख दिया है, अभी आगे की प्रोसेस तैयार करते हैं। 10 मिनट के बाद उसको हम निकाल देते हैं और साइड में रखते हैं। ये हमारी भिगा हुआ आलू और ये हमारी प्रोटीस, और एक प्लेट लेना है हमें उसको तैयार करके रखने के लिए। क्या करना है, हमें चाहिए टूथपिन। तो फ्रेंड्स उसको अच्छे से मिला के निकालना है और उसके अंदर में ये हमारी जो प्रोटीज है उसको ऐसे बीच में रखना है मसाला के साथ में, ठीक है। और उसको ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके ये जो हमारी टूथपिन है टूथपिन की सहारे में उसको ऐसे गूंथ लेना है, ठीक है। ये हो गई हमारी बटरफ्लाई की तैयारी। विचम दिए आगे और तैयार करते हैं। इसी तरह ऐसे, ठीक है। और उसको ये टूथपिन की सहारे मैं दोबारा दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह, ओके। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमने पूरे बटरफ्लाई के रेडी कर दिए हैं, डिजाइन रेडी कर दिए। अभी उसको चलिए तेल में फ्राई करते हैं। फ्रेंड्स उसको फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई लगा दिया है, पैन लगा दी चूल्हे के ऊपर और गैस ऑन कर देते हैं, ठीक है। गैस ऑन कर दी और उसमें हमें डालना है राइस ब्रान ऑयल। ये तो चाहिए राइस ब्रान ऑयल हमने डाल दिया। देखिए हमारी ये तेल कम पड़ेगा तो उसमें थोड़ा सा और तेल डाल देते हैं हम। कितनी पड़ी? तेल हमने डाल दिया और तेल हमारा गर्म हो चुकी है। अब क्या करना है, हमें हमारी जो बटरफ्लाई उसमें एक एक करके छोड़ देना है। इसको धीमा आंच पर ही फ्राई करना है, ज्यादा तेज नहीं करना है। उसको फ्रेंड आगे पीछे दोनों तरफ के पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक उसको फ्राई करना है। धीमा आंच पर ही फ्राई करना है, ज्यादा तेज आंच नहीं लगाना है, जल जाएगा, टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। फ्रेंड्स हमारी बटरफ्लाई अभी फ्राई होकर रेडी है, देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आ चुकी है। अभी हम उसको एक प्लेट में निकाल देते हैं, प्लेट को, ठीक है। दोनों तरफ देख सकते हो गोल्डन ब्राउन कलर ऐसा आ जाएंगे तो आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। एक एक करके अच्छे से निकाल देना है। कितना सुंदर शानदार दिखती है ना। देखिए हमारी बटरफ्लाई अभी फ्राई होकर रेडी है, चलिए उसको हम एक प्लेट में सजा देते हैं। प्रोटीस बटरफ्लाई अभी उड़ने के लिए रेडी है, आई मीन खाने के लिए रेडी है। साथ में मैंने लिया है
टोमेटो केचप आरसीएम की और उसको खा के देखते हैं। वाह लाजवाब, आप भी अपने घर में उसी तरह ट्राई कीजिए, बना के खाइए, कैसा लग रहा है बिल्कुल हमें बताइएगा। थैंक यू गुड डट इतना शानदार हमें प्रोडक्ट देने के लिए। जय हरसिंह।